भेक का अर्थ होता है मेंढक। भेक आसन को फ्रॉग पोज भी कहा जाता है। मंडूकासन की तरह भेक आसन की भी अंतिम अवस्था में शरीर की आकृति मेंढक के जैसी हो जाती है। यह आसन पेट के बल लेटकर किया जाता है। इस आसन के दो अन्य रूप हैं, अर्ध भेक आसन तथा अर्ध धनुरासन। भेक आसन करने की विधि इस प्रकार है। पेट के बल इस प्रकार लेटे कि शरीर का ज्यादातर भार पेट पर आ जाए। दोनों पैरों के बीच थोड़ा फासला रखते हुए सांस छोड़ें और दोनों घुटनों को मोड़कर पीठ की तरफ लाएं। अब सांस भरते हुए दोनों हाथों से पैरों के पंजों की ऊपरी हिस्से को पकड़ें और एड़ियों को नितंबों पर टिका दें। छाती को आप जितना ऊपर उठाएंगे, हाथों से पैरों के पंजों को पकड़ना उतना ही आसान हो जाएगा। कुछ सेकंड सहज सांस के साथ इस अवस्था में रहें, फिर सांस छोड़ते हुए पैरों के सामान्य अवस्था में ले आएं और पेट के बल ही कुछ देर लेटे रहें। भेक आसन करने के कुछ लाभ हैं, जैसे पेट और कमर की चर्बी दूर होती है, लंबे अभ्यास से फ्लैट फुट की समस्या हल होती है, पैंक्रियाज पर जोर पड़ने के कारण पाचन तंत्र सशक्त होता है, इंसुलिन का स्राव भी नियमित रहता है, पूरे शरीर में लचीलापन और मांसपेशियों में कसाव पैदा होता है, पैरों एड़ियों घुटनों और जोड़ों के दर्द तथा कमर के निचले हिस्से की परेशानियां दूर होती हैं, व्यक्ति अत्यधिक ऊर्जावान महसूस करता है। इस आसन से आध्यात्मिक ऊर्जा जागृत होती है, फेफड़ों को अधिक ऑक्सीजन मिलती है, सांस बेहतर ढंग से चलने लगती है, श्वसन तंत्र सशक्त होता है। भेक आसन करने संबंधी कुछ सावधानियां भी हैं, जैसे गर्भवती महिलाएं इस आसन को बिल्कुल न करें। कंधे पीठ या घुटनों के दर्द में यह आसन वर्जित है। तो ये थी भेक आसन के विषय में जानकारी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।